खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है, खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर जिसका ताल्लुक आपसे, वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है, खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाती है। सच्चे और सही रास्ते से गुजर कर जो लाए सही पहचान, यही है दूरदर्शन की पहचान। सत्ता बदली शासन बदला, लेकिन कर्मचारियों के काम करने की शैली अभी भी नहीं बदली। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। हाल ही में नगर निगम की एक लापरवाही उजागर हुई है और यह लापरवाही बड़ी लापरवाहियों में शुमार हो गई है। वजह ये, नगर निगम की जांच करने के लिए एक टीम आई थी और इस टीम के सामने जो खुलकर बातें सामने आई वो बड़ा ही चौंका देने वाली थी। जांच टीम ने यहाँ की महत्वपूर्ण फाइलों को अपने कब्जे में लिया और उसे लेकर चली भी गई, लेकिन यहाँ के अधिकारी ना तो उन फाइलों की गिनती कर पाए और ना ही उसका रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। शासन द्वारा गठित जांच दल के सामने निगम की कमियां आए ना आए, लेकिन निगम प्रशासन ने एक बड़ी गलती कर डाली है। जांच दल को निगम ने रिकॉर्ड के रूप में रखी ओरिजिनल फाइलें दी हैं। ये फाइलें कौन कौन सी हैं, इसकी जानकारी निगम प्रशासन के पास नहीं है और ना ही इन फाइलों की डुप्लीकेट कॉपी उनके पास मौजूद है। जांच दल द्वारा ओरिजिनल फाइलें ले जाने को लेकर नगर निगम रीवा में इस बात को लेकर अधिकारियों के बीच आपसी बहस चल रही है। यदि फाइलें सुरक्षित नहीं मिलती हैं तो निगम का पूरा रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा और निगम प्रशासन को बड़ी परेशानी होगी। नगर निगम कार्यालय में शासन द्वारा गठित जांच दल पहुंचा और फाइलें खंगालनी शुरू कर दी थी। आनन फानन में निगम प्रशासन ने जांच दल के समक्ष कई फाइलें पेश तो कर दी, लेकिन उन फाइलों का रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखा। ओरिजिनल फाइलें ही जांच दल को साथ ले जाने के लिए सौंप दी गई। जब इस बात पर जोनल अधिकारियों ने ध्यान दिया तो काफी देर हो चुकी थी। अब वह अपने जोन संबंधी फाइलें मांग रहे हैं, लेकिन उनको फाइलें वापस नहीं मिल रही है और ना ही उनकी पावती दी जा रही है। जल्दबाजी में लापरवाही, फाइलों का नहीं है हिसाब, जांच दल आने के बाद से ही वरिष्ठ अधिकारियों की सांसें फूलने लगी थी। भ्रष्टाचार की आशंका पर जो फाइलें जांच दल ने मांगी निगम प्रशासन ने उनके समक्ष पेश कर दी। इन फाइलों की प्रतियां मांगी गई थी, लेकिन निगम ने ओरिजिनल फाइलें ही ले जाने के लिए जांच दल को सौंप दी। इतना ही नहीं, निगम आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों से फाइलें अपने पास मांग कर रखी थी और जांच दल के समक्ष प्रस्तुत किया। शुक्रिया सुरेंद्र जी, आपने जो जानकारी दी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी और खास तौर से जिस तरह से यहां पर विनोद शर्मा जी ने जो बातें रखी निश्चित तौर पर गंभीर मसले हैं। इन पर निगम प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए कि भविष्य में यहाँ पर किस तरह की और भी लापरवाहियां खुलकर सामने आ सकती हैं। हम खबर को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं किस तरह से यहाँ पर निगम प्रशासन ने ये एक बड़ी लापरवाही की, बड़ी चूक की है जिसका खामियाजा देर सवेर किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ेगा। कितनी फाइलें जांच दल ले गया यह भी जानकारी नहीं है। चुनाव से पहले हुए टेंडर की फाइलें
ज्यादा जांच दल ने विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने के 10 दिन पूर्व निगम प्रशासन द्वारा किए गए टेंडरों की फाइलें तलब की थी। दल इन कार्यों की अधिकतर ओरिजिनल फाइलें अपने साथ ले गया। जिस जोन में अधिक टेंडर हुए और वहां चुनाव के लिए किए गए, ऐसा मानते हुए जांच दल इस पर संज्ञान भी लिया है, क्योंकि अधिकतर टेंडर निगम ने अक्टूबर माह में आचार संहिता लगने के पूर्व कर डाले थे। अब अधिकारी इस बात को लेकर परेशान हैं कि जिन कार्यों की फाइलें जांच दल ले गया, यदि वह वापस नहीं मिलती या गुम जाती है तो ठेकेदार का भुगतान सहित उनका अनुबंध व अन्य दस्तावेज नहीं मिलेगा। वहीं यदि भी चर्चा है कि यदि फाइलें निगम अधिकारियों को नैया भी डुबाएगी, क्योंकि बिना बजट होते हुए भी इतने टेंडर हुए व योजनाओं की राशि से इनका भुगतान किया गया, इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। अब जोनल अधिकारी अपनी फाइलें मांग रहे हैं, लेकिन निगम प्रशासन वह वापस नहीं कर पा रहा है। इस बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार जोनल अधिकारी निगम प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को ठहरा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता सुरेंद्र तिवारी ने करीबी से पड़ताल की। आइए आपको लेकर चलते हैं सुरेंद्र तिवारी के पास, जो सीधे स्टूडियो में हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। जानते हैं उनसे कि निगम प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा किस रूप में भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर एक खास मेहमान भी हैं सुरेंद्र के साथ, विनोद शर्मा। जी विजय जी, आज नगर निगम में जो जांच दल आया था भोपाल से और महत्वपूर्ण फाइलों की जांच की, जिसमें चुनाव से पहले जो टेंडर जारी किए गए थे उस मामले की जांच की गई है, और जांच के बाद पूरा दल जो है सभी दस्तावेज लेके भोपाल रवाना हो गया है। आज हम इसी खास मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ पीसीसी सदस्य और वार्ड पार्षद विनोद शर्मा जी हैं। जी स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जांच दल आया, उसने जांच की, जांच के बाद कुछ अहम दस्तावेज थे जो सदस्य वहाँ से जो जांच टीम थी वो वापस ले गई, लेकिन रिकॉर्ड की एक पावती जो देना चाहिए, जो यहाँ अभिलेख में सुरक्षित रहना चाहिए कि हाँ हमारी ये दस्तावेज भोपाल गए हुए, जो जानकारी वहाँ से निकल के सामने आ रही प्रशासनिक तौर पर कि ऐसी कोई सूची इन्हें नहीं दी गई है, ऐसे मामले क्या होगा आगे, क्या लगता है कितने भ्रष्टाचार और भी बढ़ाए जा सकते हैं या फाइलें गायब की जा सकती है। देखिए, यदि ऐसा हुआ है तब तो निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है कि जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ठीक वैसे ही तीन नगर निगमों की विशेष जांच के लिए व्यवस्था बनाई गई, उसमें हमारा रीवा नगर पालिक निगम रीवा रहा। क्योंकि ये एक जन जन को पता है, आम जन को पता है कि रीवा नगर पालिक निगम रीवा में भ्रष्टाचार नहीं होता, बल्कि यहाँ तो ऐसा कोई काम नहीं है जो भ्रष्टाचार के बिना पूरा हो जाए, ऐसा एक आवाज़ बन चुकी है। तो वहाँ पे जो जांच दल आया उसके प्रमुख पीएन पांडे जी आए, आपको पता है कि हम उनसे मिले भी और हमारे भी बहुत सारे उसमें बिंदु को जोड़े गए, जो 16-17 पॉइंट्स के जांच दल में रखे गए, और ऐसा आया है कि वो यहाँ से फाइल ले गए। और यदि फाइल गई हैं तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, पहला तो जो फाइल चली गई तो चली गई फाइल वो सुरक्षित रहे और वो एक रिपोर्ट 7 दिवस के अंदर बना करके शासन स्तर पर दे दें। यदि ऐसा कहीं बीच में हुआ तो जो कुछ और नगर पालिक निगम रीवा के जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो जमे हुए हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि उसको भी छुपा सकते हैं और उसको कहीं ना कहीं गोलमाल कर सकते हैं, इसलिए उसमें हम उसको देखेंगे। आपने सवाल उठाया तो हम उसको देखेंगे कि ऐसा काम होने पाए। अब जाँच होने के बाद जब वापस गई तो जो जोन अधिकारी जहाँ से कुछ दस्तावेज मंगवाए गए थे जी, वो भी फाइलें अब भोपाल पहुँच गई हैं, उसकी भी सूची है, तो इस पर क्या प्रभाव आपको लगता है कि जोन जोन बाई जोन जो बनाए गए हैं नगर निगम ने बनाया, देखिए लोगों की सहायता के लिए वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसी फाइलें अगर नहीं मिलती हैं। जोन बनाया गया बहुत बढ़िया है, मध्य प्रदेश के और नगर निगम में जोन बनाए गए, ठीक उसी प्रकार से रीवा नगर निगम को 4 जोनों में बांटा गया। पर मैं पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि जोन का निर्माण जल्दबाजी में किया गया, रीवा नगर पालिक निगम रीवा इतना बड़ा है ही नहीं कि आप उसको जोनों में बांट दो, ठीक है, और उसमें व्यवस्थाएं नहीं की गई, फाइलों को यहाँ से वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, लोग जाते हैं कि इस जोन में जाओ और उसको बोलते हैं यहाँ नहीं तुम्हारा काम नगर निगम में होगा, नगर निगम में जाता है आदमी उसको कहते हैं कि आप जोन में चले जाओ,
और इसी दौरान यहाँ से इस जोन से फाइल वहां जाएगी और फाइलें बहुत सारी भोपाल चली गई, तो कौन सी फाइल कहाँ है उसका एक लेख होना चाहिए, आवक जावक रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए और उसकी एक रिसीविंग दी जानी चाहिए कि कितनी फाइलें, तो चाहे कितना भी बड़ा जांच दल अधिकारी है, कौन कौन सी फाइलें हमारे यहाँ से लेके गए हो और कौन कौन सी फाइलें यहाँ सेफ है, इन सब चीजों की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इस जांच में जो अभी हुई है जांच को लेकर भोपाल टीम वापस हो गई है, ये आचार संहिता लगने के 10 दिन पहले से जो है दस्तावेज खंगाल ले गए हैं, कितने ऐसी कार्य हैं जो टेंडर इसमें फंस सकते हैं जिनकी प्रमुख तौर पर मान सकते हैं कि ये टेंडर जो है इस जांच में रहेगा? देखिए मैं तो कहता हूँ कि कोई भी, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी एक कार्य नगर पालिक निगम रीवा का यदि सच्चे मन से जाँच हो जाए, भौतिक सत्यापन हो जाए, तो उसी में फंसना है। पर जांच दल विभिन्न चीजों के लिए हुई है, हमने बहुत सारे पत्र लिखे और भी बहुत सारे पार्षदों ने पत्र लिखे, ऑडिट रिपोर्ट के दौरान भी बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई। आपको पता होगा रीवा में अवैध होल्डिंग और गेंट्री कितना, इसका एक इतना व्यापक इसका टेंडर यदि अपन देखें तो एग्रीमेंट जो इसका अनुबंध है, ऐसा लग रहा है कि हमारा नगर निगम का तबका कमिश्नर उस एग्रीमेंट करने वाली एजेंसी से प्रभावित था, ऐसा है। और आप सीवर लाइन का प्रोजेक्ट चाहे आप उठा के देख लो, आपको यहाँ आप देखोगे कि हमारे साथ आप चलो अमृत योजना के तहत यहाँ दो दो पार्क बनाए गए, 70-70 लाख रुपए उनका भुगतान हो गया। यदि दावे के साथ मैं कह रहा हूँ 10 लाख का भी उसमें कार हुआ हो तो आप बता दो। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे ऑडिटोरियम का निर्माण हो, चाहे समदड़िया द्वारा रीवा का बस स्टैंड निर्माण रहा हो, या जितने भी टेबल टेंडर का मैंने बोला टेबल टेंडर, वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी बोलते हैं जो टेबल टेंडर, मैं टेबल टेंडर की बात इस तरह नहीं की थी, मैंने की थी जो फिक्सिंग करके विशेष आपने चस्पा कर दिया और चस्पा के दौरान आपने टेंडर को फिक्सिंग कर लिया, केवल और केवल आपने पता होगा केवल वहाँ 2 या 3 पंजीकृत ठेकेदार ही करोड़ों के कार्य को पाए हैं और उन्होंने काम किया, कैसे कोई ना कोई जब अधिकारी होगा तब ना ऐसा कार्य हुआ। चलिए ठीक है, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच हुई, सबसे अहम सवाल कि परिषद की बैठक और जो MIC की बैठक हुई अगर ये दस्तावेज नहीं आते हैं वापस या इनकी कॉपियां इनके पास नहीं है डुप्लीकेट, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए प्रभाव तो बहुत बड़ा पड़ेगा, हमारी फाइलें गुम हो जाएंगी और ऐसा पहली बार केस नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे केस हैं जब हमको किसी को मिटाना होता है, पूरा का पूरा दस्तावेज ही खत्म कर देना होता है, तो दो चीजें होती है, या तो दस्तावेज चोरी चले गए या उसमें आग लगा दी जाती है। ये तो यदि ऐसा हुआ तो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा इसमें गंभीर साजिश के तहत हमारे नगर पालिक निगम रीवा से हमारे रीवा नगर निगम की जनता से जुड़ा दस्तावेज ले जा करके उसको कहीं ना कहीं यहाँ से विघ्न बाधा सहित यहाँ से ले जाएंगे और गुमनाम कर देंगे। और दस्तावेज कितने गए हैं मैं आपने उठाया होता, मैं उसको जा करके वहाँ देखूंगा कि ऐसा कौन इसका जिम्मेदार कौन है, निश्चित तौर पर उसकी रिसीविंग होनी चाहिए कि कितने फाइलें गई हैं और कौन कौन ले गया है। जी ये थे हमारे साथ विनोद शर्मा जी, जो नगर निगम में जांच हुई, जांच की फाइलें जब वापस चली गई और उन फाइलों की जो डुप्लीकेट कह सकते हैं द्वितीय प्रतियां नहीं है, ना इनके पास रिसीव होंगे और इसका प्रभाव जो है MIC और परिषद की बैठक में पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। वापस हम आपको स्टूडियो ले चलते हैं जहाँ विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजधानी से रीवा तक नगर निगम के दस्तावेजों को खंगालने के लिए यह जांच दल आया हुआ था और बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने ये सारे रिकॉर्ड जब्त किए जो संदिग्ध लग रहे थे, इनमें टेंडर समेत भुगतान की प्रक्रिया लिपिबद्ध थी और इन सभी फाइलों को वो अपने साथ ले गए। अगर ये निगम प्रशासन को नहीं पहुंचते तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या निगम प्रशासन के सामने खड़ी होगी, जहां वो ठेकेदारों का भुगतान करने के लिए परेशान होंगे, वहीं कई कार्य भी अधर में लटक जाएंगे। आज बस इतना ही, मनोरंजन और खबरों के लिए आप देखते रहिए रीवा दर्शन। नमस्कार।